हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयार जीत में। आज हम देखने वाले हैं एट गेट अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 6, जो आपको यहाँ पर भरने के लिए दी गई हैं 2024-25 में, जो पिछली किताबों से बहुत हटकर हैं। तो आपको इनको ज़रूर से भरना है, क्योंकि इससे आपके जो परीक्षाओं में है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं, तो ये आपको मिली हुई होंगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने पिछले क्वेश्चनों के जो हैं हल करा रखे हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो 5 पार्ट तक का हमने वीडियो डाल दिया है, आपको किस प्रकार से देखना है। तो ये आपको लास्ट में वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसको देखकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको देखने वाले हैं अगले पार्ट को, जिसका नाम है यहाँ पर लेसन 6। तो लेसन 6 में आपका क्या होने वाला है यहाँ पर, जिसका नाम है टेस्ट। ठीक है, तो परीक्षा के नाम से ये होने वाला पार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक गुरु जी खड़े हुए हैं पेड़ के पास में, और उनके शिष्य खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहला हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्या दिया गया है यहाँ पर, लिखा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर लिखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, हु वाज द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंसेस, मतलब कि पांडव और कौरव के जो शिक्षक थे वो कौन थे। ऑप्शन पहला है वाल्मीकि, दूसरा है द्रोणाचार्य, कृपाचार्य या फिर दुर्योधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कौन थे, द्रोणाचार्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, हु गॉट द फर्स्ट चांस टू शूट इन द राइट आइज ऑफ द वर्ल्ड, यानी टेस्ट था उनका कि जो पक्षी बैठा था पेड़ पर उसकी सीधी आंख में निशान लगाना था, तो सबसे पहले मौका किसे दिया गया था। ऑप्शन है नकुल, अर्जुन, युधिष्ठिर या भीम। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, युधिष्ठिर को दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ लिखा है तीसरा, हाउ मैनी पांडव प्रिंसेस पार्टिसिपेट इन द टेस्ट, यानी कितने पांडवों ने इस टेस्ट में भाग लिया था। ऑप्शन है 6, 4, 5 या 3। तो आपने पिक्चर में देखा था स्टार्टिंग में कितने थे, 5, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, द प्रिंस वर स्टैंडिंग इन द आश्रम विथ देयर, तो आश्रम में खड़े हुए थे, क्या लेकर खड़े हुए थे। ऑप्शन दिए गए हैं बोज एंड एरोज, स्वॉर्ड्स, गन्स या डैगर्स। तो आप देख सकते हैं, आपको टेस्ट पता है कि सीधी आंख पर निशान लगाना था, तो यहाँ पर क्या दिए गए थे, धनुष और तीर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां, द प्लूरल ऑफ वूमेन इज, तो ऑप्शन दिया गया है आपको कि बहुवचन बताना है वूमेन का। ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं 4, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है आपको, इसमें जो होता है ए लगा होता है उसको हटाकर ई लगाते हैं, जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा होगा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला आपका दिया गया यहाँ पर, तो यहाँ लिखा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर दिए गए हैं बॉक्स में, दिए गए हैं आपको, इन्हीं बॉक्सों में से आपको शब्दों को चुनकर लिखना है, सही विकल्प चुनकर लिखना है किन से, इन बॉक्सों में से। तो पहला पढ़ लेते हैं क्या दिया गया, तो पहला आपका ये दिया गया यहाँ पर, ये लिखा हुआ है द्रोण, यहाँ पर दुर्योधन बाज आ प्रिंस। तो यहाँ दुर्योधन किसका यहाँ पर राजा था, मतलब प्रिंस था, राजकुमार था, तो कौरवों का। ऑप्शन हो जाएगा सही आपको, कौरव भर लेना है इसमें। दूसरा दिया गया आपका, तो दूसरा पढ़ेंगे यहाँ से हम, तो देख क्या लिखा है, गुरु द्रोण गेव अ टेस्ट ऑफ टू प्रिंस, यहाँ पर लिखा पांडव एंड कौरव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्किल, किसका टेस्ट लिया था उन्होंने, स्किल का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं 7 तक, तो आप यहाँ पर अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 8, जो आपका यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, आपको अच्छे से कम्प्लीट कर लेना है। युधिष्ठिर वाज द पांडव प्रिंस, तो इसमें आपको भरना है ओल्डेस्ट, क्या भरना है, ओल्डेस्ट, OLDEST, ओल्डेस्ट भर लेना है। इसके बाद है आपका 9वां, देयर इज़ अ बर्ड द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, तो इसमें भर लेना है ऑन, जो आपका भरा हुआ है। इसके बाद 10वां दिया गया है, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट, तो विल नॉट को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये वुडंट, क्या हो जाएगा, वॉन्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, वॉन्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11वां, तो 11वें को देख लेते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर, 11वां आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से क्या लिखा है। देखिए, हु सा द ट्री इट्स ब्रांचेज ग्रीन लीव्स येल्लो फ्रूट्स एंड बर्ड्स,
किसको देखे थे ये सब, यानी किसने पेड़ पेड़ों को देखा, उसकी शाखाओं और हरी पत्तियों, येल्लो फ्रूट्स और पक्षियों को देखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्योधन। इसके बाद है बारहवां, बारहवां क्वेश्चन दिया है, इसको देख लेते हैं। तो बारहवें में क्या लिखा है आपका, ये दिया गया है व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट डिड गुरु द्रोण गिव टू द प्रिंसेस, किस प्रकार का परीक्षा ली गई थी। तो गुरु द्रोण टेस्टेड द स्किल्स ऑफ द प्रिंसेस, यानी उनकी जो बुद्धि है उसका टेस्ट लिया गया था। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है 13, तो 13 में क्या दिया गया है इसको देखेंगे। राइट द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ यू विल, तो यू विल का क्या हो जाएगा, यू और डबल एल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, तो 14 में देखिए ये आप देख सकते हैं, ये दिया गया है 14 का। तो क्या लिखा है, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो बहुवचन लिखना है माउस का और यहाँ पर मंकी का। तो माउस का हो जाएगा माइस और मंकी का हो जाएगा मंकीज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 15, तो यहाँ पर क्या लिखा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखने। तो देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। हु वाज द प्रिंस हु शॉ वर्ड्स राइट आइज, यहाँ पर केवल किसने देखी थी, यानी कौन सा प्रिंस था जिसने केवल जो चिड़िया थी उसकी आँख को देखा। तो इसका आंसर लिखेंगे आप यहाँ से, तो यहाँ पर देखेंगे अर्जुन वाज द प्रिंस हु शॉ द वर्ड्स आइज ओनली, यानी अर्जुन प्रिंस था, उसने ही केवल चिड़िया की जो आँख थी उसको ही देखा था अन्य चीज़ों की अपेक्षा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16, तो ये 16 दिया गया है। तो 16 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द टारगेट इन द टेस्ट, टेस्ट में टारगेट क्या था, यानी निशाना क्या, किस पर लगाना था, क्या लक्ष्य था। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, तो यहाँ पर ये आंसर दिया गया है, तो द टेस्ट या फिर लिखेंगे टारगेट वाज टू शूट अ वर्ड्स राइट आई, चिड़िया की जो सीधी आँख थी उस पर निशाना लगाना परीक्षा थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन था 17 है, तो यहाँ पर लिखा है इफ़ यू वर इन अर्जुन्स प्लेस व्हाट वुड यू सी ऑन द ट्री, यदि आप अर्जुन के स्थान पर होते तो आप क्या देखते पेड़ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा इफ़ आई वॉज इन प्लेस ऑफ अर्जुन, यदि मैं अर्जुन के स्थान पर होता आई वुड सी द वर्ड्स राइट आई ओनली, तो मैं भी केवल पक्षी की सीधी आँख को ही देखता। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18, तो 18वां देखेंगे आप, ये लिखा है 18वां, तो क्या दिया गया है, द यंगेस्ट ब्रदर वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन। तो इसका लिखना है री राइट द सेंटेंस यूजिंग द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी जो ऊपर दिया गया वाक्य है उसमें जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है उसके स्थान पर आपको क्या लगाना है, यहाँ पर अपोजिट लगाना है इसका। तो देखिए यहाँ पर केवल यंग के स्थान को काट कर यहाँ पर क्या लिख देना है, ओल्डेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, तो ये आपका 18 हो चुका है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन 19 में क्या दिया है, व्हाट मोरल डिड गुरु द्रोण गिव टू द प्रिंसेस एट द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी जो गुरुजी थे उन्होंने क्या शिक्षा दी कहानी के अंत में अपने शिष्यों को जो उनके प्रिंसेस थे। तो यहाँ पर हो जाएगा गुरु द्रोण गेव द, यहाँ पर मोरल लिखना है MORAL, ठीक है, जी लिखी स्पेलिंग यहाँ पर, ये यहाँ पर काट कर आपको लिख लेना है मोरल टू द प्रिंसेस, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये दिया गया आंसर। तो प्रिंसेस ऑलवेज कीप योर आइज फोकस्ड ओनली ऑन द गोल देन ओनली यू विल यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो गुरु द्रोण ने कहा कि आपको अपने यहाँ पर क्या कहा कि ऑलवेज कीप योर आइज फोकस्ड, हमेशा अपनी आँखें खुली रखो ओनली ऑन द गोल, अपने लक्ष्य पर, देन ओनली विल यू, केवल आप ही अपने लक्ष्य में और अपने जीवन में हमेशा सफल रहेंगे। तो ये आपका 19वां क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा दिया गया 20, तो 20 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो रीड द नोटिस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिविंग बिलो, तो इस नोटिस को ध्यान से पढ़िए और आपको जो नीचे प्रश्न दिए हैं उनके आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है इसको देख लीजिए, तो यहाँ पर दिया गया आपका आंसर अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्या क्या दिए गए हैं, ये दिए गए हैं आपके,
आपको सेलिब्रेशन है, ये क्या है, स्पोर्ट डे दिया गया है, ये टेकिंग पार्ट प्राइज, ये कब होना है, कहाँ होना है और समय दिया गया है, ये चीफ गेस्ट दिए गए हैं। तो इनके आंसर देखिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है आपका। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट, तो यहाँ हो जाएगा सेलिब्रेटिंग स्पोर्ट्स डे। वेयर इज़ द, यहाँ पर कहाँ होना है, तो स्कूल गार्डन, स्कूल ग्राउंड। इसके बाद कितने दिनों का होना है, 3 डेज। इनएक्टिव का एक्टिव हो जाएगा और इसकी स्पेलिंग आपको बनानी, तो ये हो जाएगा इनकॉरेज आंसर। यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्लेलिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लेंगे।